आराम से जलियो नीचे देख के रुको आराम से चलना। बालों की हालत बड़ी खराब हो गई है यार। हम लोग आ गए चौकीदारी में। Thank you.
सो फिलहाल तो हम लोग है ना चौकीधान ही आए हुए हैं और यहाँ पे एक नया सिस्टम देखा, यहाँ पे कैमरे का स्टैंड नहीं ले जा सकते, कैमरा ले जा सकते है। तो ये नया चीज़ था यार, अभी अंदर जाके देखते कैसा है तो बहुत ब्यूटीफुल। जहाज, एरोप्लेन। जहाज थोड़ी ना बोलते, वो तो उसको बोलते हैं। नहीं नहीं जहाज उसको भी बोलते हैं, हवाई जहाज। हवाई जहाज, हवाई जहाज वही मेरा मतलब था यार। भैया जहाज का मतलब वही शिप। इधर मेरी तरफ मत। हम लोग है ना चौकीधानी आए हुए हैं और यहाँ पे एक नया सिस्टम है कि यहाँ पे कैमरा ले जा सकते हो आप और कैमरे का स्टैंड नहीं ले जा सकते, यानी ट्राइपॉड नहीं ले जा सकते। तो अभी यहाँ पर आए, डांस वांस किया, मुझे डांस नहीं आता पर फिर भी डांस किया मैंने एंट्री पे, वो ढोल बजाते तो अच्छा लग रहा था। अभी फिर से हम लोग जा रहे हैं और खूब इंजॉय करने वाले हैं और आपको भी इंजॉय करवाएंगे, ठीक है? चलो वहीं मिलते हैं आपसे। ये चारपाई डली है यार, यहाँ फोटो खींच दो यार। बन रही है
अपनी वीडियो बनी ना, ये गया ही नहीं। कितना हो गया अभी इनका? छह बोल तो कितना हुआ है? 30। बना ले, मैं तो वीडियो बना देती हूँ। नहीं मत जा, चलाओ यार। थोड़ा ही देना। कैमरा अंदर रख दो। हाँ अब एक मालपुआ खाते हुए ये देखो कितनी गोरी गोरी फोटो आ रही है। लोग तो लोग हो गया। हेलो अब खोल इसको। खोल दे। ये देखो कितनी गोरी गोरी फोटो आ रही है। बोर तो है ही ना भैया। वो बोरो प्लस लगाओ चेनानी बोरो प्लस। जल्दी को जल्दी ये लो ले। थैंक यू। स्माइल करो ज़्यादा ओली बूटी प्लस में फोटो। हाँ ये करके स्माइल बड़े प्यार से बोलते हो यार। एक माल पुआ खाते हुए। हाँ पूरा ही खाना है अभी, रखना नहीं इसको प्लेट में। पूरा ही खाना स्माइल ये वाली ये देखो फेयर एंड लवली वाली। एक माल पुआ खाते हुए। बहुत टेस्टी। तनु अडियो तनु सही हो गया।
देखो है जयपुर, जयपुर है वाला जो सीन है ना वो उसकी स्टोरी आपको अश्मित से जाएगी। चलो शुरुआती सीन ही नहीं समझ आ रही। पार्टी अच्छी आई। पार्ट जी ये सब ठीक है। अपने भाई को चिढ़ाने के लिए ऐसे करते हैं ठीक है। तो उसका ओरिजिन ऐसे हुआ, मैं बोल के बताती हूँ। उसका नाम लवी है तो मैं ऐसे बोलती हूँ है लवी लवी है। तो बस ऐसे स्टार्ट हुआ और हम सब फिर पागल हो गए। ये पूरी ट्रिप का हमारे का ना तकिया कलाम था। पूरी ट्रिप में यही चल रहा होता था है। लोग समझेंगे हम बह रहे हैं। नहीं अच्छा ये मजा नहीं आया। समझ गए ना, मजा नहीं आया इंट्रो। है जयपुर, जयपुर है जयपुर, जयपुर है। आओ कौन कौन आएगा। तो हम लोग है ना ग्वालियर पहुंचने वाले ग्वालियर स्टेशन पे और हमारी ट्रिप खत्म हो गई। खत्म हो गई यहीं पर और नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट होगी जल्दी। यस आंटी फोन करेगी। से निकल आए थे सुबह सुबह 5:30 पे और उसके बाद में आगरा क्रॉस। आगरा क्रॉस करने के बाद में अभी आगे जो भी आएगा वो आपको बता दिया जाएगा ठीक है। तो जाएंगे अपन घर पे और म्याऊ से मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ कि म्याऊ से मिलेंगे और मुझे एक और खबर मिली है कि एक और बिल्ली आ गई है घर में, छोटी सी है, म्याऊ से भी छोटी है, तो उससे भी मिलेंगे। देखते हैं क्योंकि वो मम्मी बता रही थी कि वो अभी एक ही दिन दिखाई दी थी फिर नहीं आई थी, शाम को ही आई थी, तो उससे मिलेंगे। और वैसे ये जर्नी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस जर्नी से, कैसे अकेले ट्रैवल करना है। अकेले यानी कि हम लोग 6 लोग थे तो अकेले का तो ये नहीं हुआ, पर बहुत एक्सपीरियंस मिला कि कैसे क्या करना चाहिए हमें, है ना, ट्रैवल करते टाइम हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें पता चली। और हम लोग का फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा हो गया और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये ट्रिप जाके। बस यही था और बाकी आपको ग्वालियर जाके बताते जो भी रहेगा। फिलहाल तो हमने मतलब आगरा क्रॉस कर लिया, अभी आउटर पे रुकी हुई है तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। सुबह रात को सो गए थे हम लोग और फिर सुबह में 9:30 उठी के बाद फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया ठीक है। Yeah.
स्पीच भी डाल दो पीछे से। हाँ ठीक है ऐसे तो मैं तो सबसे पहले मेरी सिम्बा बाबू से मिल लिया हूँ। सिम्बा बाबू को खाना खिला दिया हूँ। अभी मियाँ को बता के लाओ भाई मैं आ गया हूँ। मेरी चुन्नी को पता ही नहीं है मैं आ गया हूँ। आराम से खा ले।